ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? ये बोलने और बुलाने के चक्कर में टाइम निकल जाएगा। अगर कम्युनिकेशन का तरीका या इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर नहीं आता है तो डेट तो दूर की बात है, ये बात इस पर खत्म हो जाएगी। क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मुझे कभी कुछ नहीं बताता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे आमिर खान रानी मुखर्जी को डेट पे लेके जाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसे कह ना पा रहा है, साफ लफ्जों में नहीं कह पा रहा, तो गाड़ियां वहां घुमा रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये दो बहुत जरूरी चीज है। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये दो अलग चीज है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम एक सीरीज में सीखेंगे। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे आता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपसे शेयर करूँगा। तो पहले हम ये समझें कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिले। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ और मैं आपसे वो बात कर दूं, तो कम्युनिकेशन है। अब ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं आपको कह सकता हूँ मुंह से बोल के, दूसरा मैं इशारों में बता सकता हूँ। इशारे का मतलब ये भी हो सकता है कि साइन लैंग्वेज, जो बोल नहीं सकते जो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज वो, और इशारे का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ साइन, जैसे हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि साइंस है टॉयलेट के लिए, पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में हमें कुछ साइंस दिखती है, जैसे नेसेसरी चीज़ों के लिए, जैसे वॉशरूम्स है या मॉल के अंदर थिएटर का रास्ता किधर है, एस्केलेटर किधर है, ये साइंस हमें दिखते हैं। ये चीज़ें लिखी हुई भी हो सकती थी, लेकिन ये विजुअल्स में हमें बताया जाता है। अगर आप एयरपोर्ट या मॉल में कभी नहीं गए हो, फिर भी आपने एक साइन तो जरूर देखा होगा, मर्द और औरतों के लिए अलग अलग जो रूम्स वॉशरूम्स रहते हैं उसके ऊपर अलग अलग साइन रहते हैं। कहीं कहीं मेन या वेमेन लिखा हुआ होता है, लेकिन बहुत सो को मालूम है कि किसी को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, वो कैसे समझेगा। तो मेन और वुमेन की विजुअल बनी हुई रहती है। तो ये है इशारों की दुनिया। कभी कभी आप बड़ी बात छोटे से विजुअल से समझ जाते हैं। जैसे कि कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। तो वो हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मॉर्स कोड भी होता है कि हमने कुछ साउंड, सीरीज ऑफ साउंड्स बना दिए, कि हम जैसे कि हमारा सीक्रेट नॉक होता है कि बचपन में हमारे रूम के अंदर किसी को आने नहीं देंगे या हमारे घर में आने नहीं देंगे जब तक के दरवाज़ा एक तरीके से ठोके, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन आया है। जैसे हमारे पिताजी और मम्मी जी का डोरबेल बजाने का तरीका भी हमें याद रहता है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। लेकिन ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और वो बात सामने वाले को एकदम सही तरीके से पता लग जाती है। और ये इसलिए है क्योंकि तुमको पता है कि ये आप शायद वो बात बार बार या अलग अलग तरीके से शायद नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन एक चीज़ होती है जहाँ पर मैं क्लास में खड़ा हूँ
मैं बच्चों को कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने मुझे सवाल किया, तो जवाब में मैंने अलग तरीके से बताया। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर इस्तेमाल आएगा जब मुझे पता है कि ये बच्चों को शायद मौका ना मिले मुझसे सवाल करने का, वक्त शायद कम है, या मैं उनसे डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मार्केटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एडवर्टाइज के पोस्टर में या तो एक छोटी सी 10-15 सेकंड की एड में मुझे मेरी पूरी बात कहनी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर ज़रूरी है। हर चीज़ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो घड़ी घड़ी एक ही बात करने से मतलब नहीं होती। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही वही बात अगर आप करते रहें और आप गुस्सा करते रहें कि तुमको बच्चा बात नहीं समझ रहा, तो कहीं पे कम्युनिकेशन की कमजोरी है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया कैसे जाता है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए और कैसे होगा, ये देखने के लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर ये कम्युनिकेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं नॉर्मल तरीके यानी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए भी मैं आपको एग्जांपल ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा ख़ास तवज्जो जो रहेगा वो मार्केटिंग की तरफ रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या क्या सीखने मिलता है। आज हमने सिर्फ इतना ही सीखा, जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ की जानकारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर पूछना। चलो शुरू करते हैं नई सीरीज, अगला वीडियो में कुछ और जानकारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।